स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो यू आर फाइन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वर्कशीट नंबर 39। इंग्लिश की हमारी वर्कशीट है, डेट हमारी 3 अक्टूबर की हमारी ये वर्कशीट है। नेम ऑफ द स्टूडेंट और क्लास टीचर नेम हम यहाँ मेंशन करेंगे। क्लास हमारी कौन सी है? 9। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव लर्नड अबाउट मॉडल्स इन द प्रीवियस वर्कशीट। इन दिस वर्कशीट वी विल रिवाइज ऑल दैट वी हैव लर्नड अबाउट मॉडल्स। जो भी हमने लास्ट वर्कशीट में मॉडल्स के बारे में पढ़ा है, आज हम उन सबको रिवाइज करेंगे। ऑब्जर्व दिस पिक्चर, व्हाट मैसेज टू द कन्वे। अब देखो ये पिक्चर देखो, इनमें आपको क्या मैसेज कन्वे हो रहा है वो आपको मॉडल्स का यूज करते हुए लिखना है। ये ट्रैफिक साइन है, ठीक है, उन ट्रैफिक साइन को जो भी रूल है उनको मॉडल्स का यूज करते हुए लिखना। मैंने ये आपको आगे लिखवाया है क्योंकि यहाँ स्पेस कम था। अब देखो, रीड द सेंटेंस गिवन इन द टेबल बिलो। नेक्स्ट देखो, ये है, ये फर्स्ट है जो, यू मस्ट नॉट पार्क योर व्हीकल हेयर। इस साइन का मीन्स क्या होता है? You must not park your vehicle here. You must not park your vehicle here. ठीक है, इसका मीनिंग ये होता है। नेक्स्ट देखो, इसका मीनिंग क्या होता है? वी शुड ड्राइव स्लोली नियर द स्कूल। हमें क्या करना चाहिए कि इसका साइन, इस साइन का मीनिंग क्या होता है कि भी अपनी कार को स्लो कर लो, आगे स्कूल है। ठीक है, इस साइन का मीनिंग क्या होता है? वी कैन नॉट टर्न राइट हियर। हमें, हम यहाँ पर नहीं कर सकते। ठीक है, इमेजिन यू आर ए पेरेंट्स, सेकंड वाले में बाद में कराऊंगी आपको, पहले ही करा देती हूँ। इमेजिन यू आर ए पेरेंट्स, व्हाट रूल्स वुड यू लाइक टू मेक फॉर द चिल्ड्रन ऑफ योर हाउस। राइट डाउन इन द स्पेस गिवन बिलो यूज मॉडल ऑफ ऑब्लिगेशन एंड परमिशन। अब देखो, ऑब्लिगेशन और परमिशन के लिए आप कौन सा मॉडल यूज करते हो? ऑब्लिगेशन और परमिशन के लिए हम कौन सा करते हैं? जब ऑब्लिगेशन होता है, जो हमारी ड्यूटी होती है, हम कहते हैं आपको ऐसा करना चाहिए, तो हम शुड भी यूज करते हैं। और ऑब्लिगेशन मस्ट, जरूरी ही है आपको करना, आपकी मस्ट ड्यूटी है, तो हम मस्ट भी यूज करते हैं। परमिशन हम सेल से भी मांगते हैं, शुड से भी, और हमने परमिशन वाले जो पीछे मॉडल्स किए हैं वो हम एक बार देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे अपनी वर्कशीट देख के। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने जो आपको लिखवाए हैं, चिल्ड्रन शुड वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, चिल्ड्रन शुड वेकअप, बच्चों को सुबह जल्दी उठना चाहिए, ये उनकी ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी है। दे मस्ट ओबे देयर पेरेंट्स, ये क्या है? ये उनका ऑब्लिगेशन है। ठीक है, मस्ट कि उन्हें अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए। दे शुड डू देयर वर्क एट टाइम, उन्हें अपना काम, ये सजेशन भी है, आप सजेशन लगा लो या ऑब्लिगेशन, कि दे शुड डू देयर वर्क एट टाइम, उन्हें अपना काम टाइम पर करना चाहिए। नेक्स्ट है देखो, इन द प्रेजेंट टाइम COVID-19 स्प्रेड, व्हाट वुड यू लाइक टू टेल योर यंगर सिबलिंग। सिबलिंग क्या होते हैं? अपने के जो छोटे भाई बहन हैं, जैसे COVID-19 स्प्रेड हुआ, फैला हुआ है। राइट डाउन इन द स्पेस गिवन बिलो यूज मॉडल्स ऑफ ऑब्लिगेशन एडवाइस एंड सजेशन। आप क्या उन्हें एडवाइस दोगे, क्या सजेशन दोगे उन्हें इस COVID-19 के, किन किन सावधानियां, कौन कौन से प्रिक्यूशन उन्हें अपनाने चाहिए? देखो, फर्स्ट है यहाँ पर, यू मस्ट वियर मास्क एट पब्लिक प्लेसेज, मस्ट ऑब्लिगेशन है बिल्कुल। ठीक है, यू मस्ट वियर मास्क, नेसेसरी है ये चीज। मस्ट का यूज हम कब करते हैं? जो चीज हमारे लिए नेसेसरी होती है। यू मस्ट वियर मास्क एट पब्लिक प्लेसेस, जब भी आप बाहर जाओ तो पब्लिक प्लेसेस पे जाओ तो आपको अपना मास्क पहनना ही है। नेक्स्ट है देखो, मास्क शुड बी डिस्कार्डेड एंड चेंज्ड इफ दे बिकम फिजिकली डैमेज्ड और सो। अभी आपको सजेशन दिया गया है, ठीक है, कि आपको क्या करना है, एडवाइस दी गई है, मास्क शुड बी डिस्कार्ड, जब आपका मास्क क्या हो जाए, ये नहीं है कि एक मास्क को हम लगातार उसका यूज ही करते रहे, फिर क्या फायदा होगा। ठीक है, तो हमें डिस्कार्ड, हमें त्याग देनी चाहिए, चेंज कर लेनी चाहिए जब वो फिजिकली रूप से डैमेज हो जाते हैं। नेक्स्ट है देखो, यू शुड अवॉइड गोइंग टू क्राउडेड प्लेसेस। यू शुड अवॉइड गोइंग टू, हमें जाने से, क्राउडेड प्लेसेस पर जाने अवॉइड करना चाहिए, ये भी आपको सजेशन दिया गया है। हम यही सजेशन देंगे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं। ठीक है, एडवाइस भी दे रहे हैं हम साथ में। इमेजिन ए फैमिली इन योर नेबरहुड इज क्वारंटाइन एट होम ड्यू टू कोविड। हाउ कैन यू हेल्प देम एंड व्हाट वुड यू आस्क देम टू डू। राइट इन द स्पेस गिवन बिलो यूज मॉडल्स ऑफ ऑफर, इन्विटेशन एंड रिक्वेस्ट। अब आप देखो, उनकी कैसे हेल्प करोगे? आपकी फैमिली, आपके नेबरहुड में, पड़ोस में कोई फैमिली है जो COVID-19 की वजह से क्या है, क्वारंटाइन है होम, घर पे ही, आप उनकी कैसी हेल्प करोगे, क्या बोलोगे? कैन आई हेल्प यू, हम उन्हें क्या बोलेंगे, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। सेल्फ प्रोवाइड यू द असेंशियल आइटम फॉर योर फैमिली, क्या
आपकी फैमिली के लिए मैं असेंशियल जरूरी वस्तुएं प्रोवाइड करा सकता हूँ। हम उन्हें क्या कर रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, ठीक है। यू मस्ट आस्क फॉर हेल्प व्हेन यू नीड। हम यहाँ पर रिक्वेस्ट में वुड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यू मस्ट आस्क फॉर हेल्प व्हेन यू नीड। आप कभी भी हेल्प मांग लेना जब भी आपको नीड हो, हम उनको ये बोलेंगे, ठीक है। यू मस्ट आस्क फॉर हेल्प व्हेन यू नीड। ये थी जो आज की हमारी एक्सरसाइज थी। ऊपर मैं आपको फर्स्ट वाली अभी कराती हूँ, ठीक है। ये देखो सेकंड वाली, फर्स्ट ये है, सेकंड थर्ड, सेकंड ये है, और थर्ड और फोर्थ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ के मैंने यहाँ से कराए, वीडियो पॉज करके यहाँ से लिख लेना आपने, ठीक है। ये देखो इसमें रीड द सेंटेंस गिवन इन द टेबल बिलो सर्टेनिटी। जब निश्चितता होती है, हम किस किस मॉडल का यूज करते हैं, मॉडल्स का यूज करते हैं, विल का भी, मस्ट का भी, वुड का भी यूज करते हैं, पास्ट में वुड का यूज करते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी संभावना में मे और कैन का यूज करते हैं मोस्टली, तो इम्पॉसिबिलिटी मे और माइट का यूज करते हैं, मे और माइट और कैन का भी यूज होता है, इम्पॉसिबिलिटी होती है, इम्पॉसिबिलिटी में मोस्टली हमने यहाँ पर कैन नोट किया। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, आई विल स्टडी टूडे। अब देखो वैसे तो आई के साथ है और वी के साथ बेटा सेल का यूज होता है, लेकिन यहाँ पर विल का यूज क्यों हुआ है, आई और वी के साथ है, आई और वी के साथ जब विल का यूज होता है, सभी मॉडल्स के साथ, सभी जो अदर्स हैं उनके साथ विल का यूज होता है, लेकिन आई और वी के साथ ही हमारा रूल होता है कि हम सेल का यूज करते हैं, ठीक है, ग्रामेटिकल रूल है। लेकिन किन उसमें विल का यूज होता है, जब हम किसी काम को लेकर निश्चित होते हैं, सर्टेन होते हैं, ठीक है, कि हाँ डिटरमाइंड है कि हमें ये काम तो करना ही, मैं ये काम करूंगी, आई विल स्टडी टूडे, तो मैंने निश्चित कर लिया कि आज मैं पढ़ूंगी, आई विल स्टडी टूडे। आई मे स्टडी में आज पॉसिबिलिटी है कि आज मैं पढ़ भी लूं, जैसे इट, ये एग्जाम्पल आता है ना, इट मे रेन टूडे, आज बारिश हो सकती है, संभावना है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। आई मे स्टडी टूडे, इम्पॉसिबिलिटी नहीं, आई कांट स्टडी टूडे, इम्पॉसिबिलिटी क्या है कि नहीं, संभावना ही नहीं है, बिल्कुल इम्पॉसिबिलिटी क्या है, इम्पॉसिबिलिटी है, आई कांट स्टडी। अब कोई घर पे मेहमान आया तो हम बोलते हैं कि नहीं आज तो मैं पढ़ ही नहीं सकती बिल्कुल भी, ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, आई कांट स्टडी टूडे। अब देखो इन्होंने ये एग्जाम्पल दिया है, सी माइट बी हियर, पॉसिबिलिटी का एग्जाम्पल दिया, सर्टेनिटी का इसमें हमें लिखना है, सी माइट बी हियर कि हाँ वह यहाँ हो सकती है, सी कांट नहीं, वह यहाँ नहीं हो सकती, सी कांट बी हेयर आ जाएगा इसका, नहीं इम्पॉसिबिलिटी है यहाँ होना तो इसका इम्पॉसिबल है, सी कांट बी हेयर, और सर्टेनिटी है सी मस्ट बी हेयर या सी विल बी हेयर हम यूज कर सकते हैं इसके लिए, सी मस्ट बी हेयर या सी विल बी हेयर दोनों ही ठीक रहेंगे, सी मस्ट बी हेयर भी और सी विल बी हेयर दोनों आ सकते हैं। नेक्स्ट देखो इसमें ये दिया गया है हमें इम्पॉसिबिलिटी का, हमें पॉसिबिलिटी और सर्टेनिटी का इसमें लिखना है। राजीव कुड नॉट हैव मेट एनीवन, राजीव किसी से नहीं मिल सकता, इम्पॉसिबल है ये, वो नहीं मिल सकता किसी से, तो हम थोड़ी संभावना, अगर संभावना मिलने की तो हम क्या बोलेंगे, राजीव माइट हैव मेट एनीवन, क्यों, क्योंकि इसमें यहाँ पर कुड है, कांट, तो इससे हमारे क्या, इससे हमें क्या हुआ कि हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट में है, ठीक है, तो राजीव माइट हैव मेट एनीवन, मिल सकता है, संभावना है। राजीव वुड हैव मेट एनीवन, हाँ सर्टेन है कि राजीव मिलेगा, राजीव वुड हैव मेट एनीवन। अब आगे देखो, वी मस्ट रीड एवरी डे, ये क्या है, सर्टेनिटी, हमें डेली पढ़ना चाहिए, मस्ट है ये, जरूरी है। अब देखो वी मे रीड एवरी डे, हम रोज पढ़ सकते हैं, हम बोलते हैं, हम कहते हैं ना बच्चों को, हम रोज भी काम कर सकते हैं, वी मे रीड एवरी डे। इम्पॉसिबल जो चीज होगी उसके लिए इम्पॉसिबिलिटी के लिए क्या यूज करेंगे, वी कैन नॉट, वी कांट रीड एवरी डे, मैं डेली, हम डेली नहीं पढ़ सकते। अब देखो नेक्स्ट है, मोनिका विल नॉट गो टू स्कूल, मोनिका आज स्कूल नहीं जाएगी, बिल्कुल भी पक्का ही इम्पॉसिबल है जाना, तो इसका सर्टेनिटी में क्या होगा, मोनिका विल गो टू स्कूल, मोनिका मे गो टू स्कूल, मोनिका स्कूल जा सकती है, ओके तो क्या जाएगा, मोनिका मे गो टू स्कूल और इसमें मोनिका विल गो टू स्कूल। अब देखो गोरी विल मेक ए करियर इन, अब इसमें देखो गोरी माइट मेक ए करियर इन आर्ट्स, गोरी माइट मेक ए करियर इन आर्ट्स, पॉसिबिलिटी है कि गोरी करियर आर्ट में अपना करियर बनाए, यहाँ इम्पॉसिबिलिटी नहीं, गोरी नहीं बना सकती, गोरी कैन नॉट मेक ए करियर इन आर्ट्स, गोरी विल मेक ए करियर इन आर्ट्स, गोरी
किसने कैरियर बनाया कि अपना आर्ट में। ये थे आपकी बेटा एक्सरसाइज थी। यहाँ पर आप मस्ट भी यूज कर सकते हो, गोरी मस्ट मेक ए करियर इन आर्ट। ये है आपकी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ एक्सरसाइज। ठीक है, यहाँ से आप पॉज करके वीडियो और लिख लेना, और सेकंड वाले भी आपको कंप्लीट करनी है बेटा। अगर वीडियो हेल्पफुल है आपके लिए, हाँ एक और, मॉडल्स के लिए आप अपनी पिछले जितने भी हैं उन्हें सबको रिवाइज कर लें। ये टॉपिक आपका आगे भी 10th में भी 11th 12th में भी जैसे हमेशा ही आता है आगे इंग्लिश में, ग्रामर एनी अच्छे से कर लो। ठीक है, अगर वीडियो हेल्पफुल है बेटा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।